इस हिंदू समाज में हमारे दादा काका लड़कियों को बधा लिया जाता, दोनों थोक लाग काट कर दाब देते थे। भाई साहब, यहाँ पर धरना चलते हुए एक साल और दो महीने हो चुके हैं, जो भाई रमेश दलाल राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई के अंदर चला हुआ है। पहले तो मुद्दा था हमारा जमीन अधिकार, जो गवर्नमेंट एक्वायरमेंट कर रही है उसका मुआवजा ठीक से नहीं दिया जा रहा था। अभी मुद्दे दो जो नए लाए गए हैं, एक तो जाट आरक्षण का है, दूसरा समगोत्र विवाह कानून बनवाने के लिए है। जो जाट आरक्षण का मुद्दा, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे अगर बोलेंगे लोग कुछ भी 15 दिन के अंदर ऐसा नहीं किया जा सकता, तो कल आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर के अंदर SC को 10% आरक्षण दे दिया गया और 15 जातियों को उसके अंदर OBC में शामिल कर दिया गया। एक बात, दूसरी बात, हरियाणा के अंदर जो हमारी सरकार बनी हुई, सरकार ने आपको ये पता लग गया होगा कि कल से जितने भी हमारे के हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर ये अपने 5-5 लाख रुपए के जो कार्ड बनाए गए थे, कल से आयुष्मान कार्ड बंद कर दिया गया। आयुष्मान कार्ड और चिरा योजना के जो कार्ड थे, हॉस्पिटलों को पेमेंट नहीं दी गई, उन्हें कल से वो भी बंद कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के हरियाणा के साथ काम चल रहा है, दिखाने के और खाने की ओर, खाने की ओर है और दिखाने की ओर है। हरियाणा की जनता को बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है और इस तरह से हरियाणा के आदमी के साथ में हर तरह विश्वासघात किया जा रहा है। शुभ नाम मेरा दिलबाग सिंह दलाल, सर्व समाज सेवा समिति प्रधान, गांव मांडोठी है, रहता जजर। तो मानू बिना सांस ले सारी बात बता दी है भी किस तरह जो है सरकार गफलत में कर रही है, लोगों ने जनता को किस तरह से गुमराह करी है। तो भाई नस्ल और फसल की लड़ाई के लिए रमेश दलाल ने जो हुंकार भर रखी है और आज तारीख 17 और भूख हड़ताल यानी कि आमण अनशन का 17वां दिन और फिलहाल मांडोठी टोल का यूँ नज़ारा तो हम देख सको हो। फिलहाल जो है हजारों की संख्या में लोगों का जो जमावड़ा है, आज जो है बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेने का दिन, तारीख 17 और हमने करा था ऐलान। अगर भाई तारीख 17 किसके लिए बनेगी खतरा, तो उसके बारे में फिलहाल जो है हम बात करांगे रमेश दलाल जी तय। और भाई जो खाप प्रतिनिधि हैं, जो पंचायती लोग हैं पहुंचे हैं, जो समर्थन में हजारों की संख्या में, पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं, पूरे उत्तर भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, ओढ़ातर लोग भारी संख्या में पहुँच रहे हैं और उन्होंने किस तरह की राय शुमारी करी है, किस तरह की सलाह बाड़ी बनी है, क्योंकि सुनने में यूँ भी आया था अग भाई हो सका है कोई बड़ा फैसला ले लिया जावे, हो सका है पूरा का पूरा भारत बंद का ऐलान कर दिया जावे, या फिर किस तरह के रोड जाम करे जाऊंगे, क्योंकि नस्ल और फसल की जो यह लड़ाई है, इसकी जो रुका पुकार है वो पूरे देश में चल पड़ी है। तो जाट आरक्षण की मांग की बात करें या फिर जाट जाति के साथ साथ अन्य जो 5 जातियाँ हैं उनको आरक्षण की बात करें या फिर नस्ल बचाने की यानी कि समगोत्र में जो विवाह है उसका विरुद्ध कानून बनाने की जो बात है, इस तरह की मांगों को लेकर रमेश दलाल लगातार जो है आमरण अनशन पर मांडोठी टोल पर बैठे हैं। फिलहाल तो हम देख सको काफ़ी संख्या में जो लोग हैं समर्थन में पहुंच रहे हैं, उन तक हम बात करांगे भाई कित कित तक कौन कौन लोग आ रहे हैं और के फैसला लिया है उसके ऊपर, फिर दलाल साहब तक बात करांगे। हाँ जी, राम राम जी। कहाँ से पहुँचे जी? हम निजामपुर से जी। निजामपुर से, हाँ जी। तो के लागा आपने, देखो 17वां दिन है और लगातार कमजोर भी हो गए हैं, इस तरह की हालात में के लागा किस तरह का फैसला लिया जाए? इसके अपने हक में लेना चाहिए सर जी, सरकार ने लेना चाहिए। हाँ जी, संज्ञान लेना चाहिए। हाँ जी, लेना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अभी सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी है। इसी तरह से बैठेंगे तो हम सारा समाज एकजुट होकर कार्य करेगा तो जरूर सुनागा सर। ये तो 36 बिरादरी की लड़ाई है। हाँ जी, सब 36 बिरादरी की लड़ाई। हाँ जी, शुभ नाम। जोगिंदर मुंडू, 14 का प्रधान, दलाल खाप जी। अच्छा, हाँ जी, थोड़े ही इधर आ जाइए। हाँ जी, तो दलाल खाप के जो प्रधान हैं वो पहुंच गए हैं, तो पाछा हमने जानकारी भी मिली थी भी दलाल खाप ने चिट्ठी पैट दी है समर्थन में, तो ओंकार भर रखी है रमेश दलाल लगातार 17 दिन तक भूखा तिशाया प्यासा और एक अड़ रहा उन मांगा के ऊपर जो कि समाजित की। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था जी, आचार संहिता जल्दी तो ला दी, सरकार मान नहीं रही, बहन भाई को ले जाती है, भाई बहन को ले जाता है, सरकार सिक्योरिटी देती है। पहले हमारे इस हिंदू समाज में हमारे दादा काका लड़कियों को बधा लिया जाता, दोनों थोक लाग काट कर दाब देते थे, फाग देते थे। काटना गलत है लेकिन उनको समझानी चाहिए यह बात अगर उनको पहले बेरा हो और इस चीज के खिलाफ अगर कानून बन जाए तो युवा पे समझ जाए आगे नौबत नहीं आवे। 36 बरादरी का है जी, एक बरादरी का थोड़ी है, गोत्र ब्याह ऑनर किलिंग की नौबत जो आवे है वो कितने कितने कानून ना बनने की वजह से और कानून बनाना चाहिए, जिसमें घाटा क्या है इनको, क्या मोटा तो घाटा नहीं, अगर इनू कहते वो ना गेरा इन के बेरा कितना बजाना से कितना बजानी से, ये सरकार नाम की चीज नहीं है, कानून नाम की चीज। धन्यवाद। मांडोठी टोल पता रमेश दलाल ने जो हुंकार भर रखी है, नस्ल और फसल की जो लड़ाई की का बिगुल जो बजा रखा है, उसमें देश के अलग अलग हिस्सा में समर्थन देने खातर लोग पहुंच रहे हैं, कोई राजस्थान तय है तो कोई उत्तर प्रदेश तय है तो कोई मध्य प्रदेश तय है,
तो फिलहाल जो है हमारे गिल मौजूद हैं। शुभ नाम जी? मेरा नाम इंदर सिंह है जी, पेशे से मैं वकील हूँ। हाँ जी, चलो ये देखो, यानी कि 36 बिरादरी इस जंग में कूद पड़ी है, डूम समाज के प्रधान हैं, और इस लड़ाई को कितना जायज मानो जी आप? आर्टिकल 21 है जी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका मिसयूज किया जा रहा है कि लीव टू लिबर्टी के नाम पर भाई बहन जो शादी करते हैं, मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। दूसरा नंबर जो हमारा हिंदू लॉ है, उसमें भी संपीड विवाह को हिंदू लॉ में बिल्कुल बैन किया गया है। जो सरकार 21 आर्टिकल 21 से जोड़ के जो लीव टू लिबर्टी के नाम से जो इनको परमिशन दे रही है, वो बिल्कुल गलत है, और इससे समाज के जो हितों का वो हनन हो रहा है। ये एक समाज की किसी के स्वयं के लिए लड़ाई नहीं है, ये तो सोशल समाज को जिंदा रखने के लिए, संस्कारों को जिंदा रखने की लड़ाई है जी, और इसमें सबने साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई किसी समाज से किसी भी, यानी कि छत्तीस की लड़ाई है, जमात की लड़ाई, जात की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है, यानी कि पूरे समाज की लड़ाई है। जमात बना दे फिर काम चल जाएगा। सही बात, बहुत बड़ी बात जी। मतलब लड़ाई का एक अलग अंदाज शुरू हो गया है। 17 तारीख जहां की मतलब 17 दिन भूखे रह गए, और उसके बाद एक नया अंदाज यू लिखकर आया कि चूरमा खा के और सुरमा बन के और इस लड़ाई को बड़ी तरीके से लड़ाया जाऊंगा। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं, वीडियो ने कर दो जिला का शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि सफलता मिल सके जरूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।